तो दोस्तों एक और वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा इस वीडियो में कि आप अपने विंडोज़ को बूटेबल कैसे बना सकते हैं यूएसबी के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक आईएसओ चाहिए होगा विंडोज़ का और एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा रूफस नाम का। तो उन दोनों सॉफ्टवेयर के लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। आप देख सकते हैं, जस्ट डाउनलोड करने और उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना। उसके बाद आपने आ जाना है, अपन जो सॉफ्टवेयर होगा ना डाउनलोड किया होगा उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन कर लें। यहाँ से ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आप जो आईएसओ विंडो का आपने डाउनलोड किया होगा ना, ये वाला आईएसओ जो डाउनलोड किया होगा आपने, कोई भी कर लें आप। विंडोज़ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, विंडोज़ 10, 7, 8, 9। ठीक है, तो कोई से भी ले के उसका आईएसओ उठा लेना। ठीक है, अभी मैं यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने जहाँ पे भी आईएसओ रखा है ना वहाँ पे जाना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने सेलेक्ट कर लिया आईएसओ अपना। ठीक है, तो अब मेन फिल्म यहाँ पे क्या करनी है। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं पार्टीशन स्कीम क्या लगी है, जीपीटी। तो अभी आपने जाके अपना पार्टीशन स्कीम चेक कर लेना। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है माई दिस पीसी में, मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। इसमें जाने के बाद आपने अपना सी देख लेना है, जाकर सी पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इधर हार्डवेयर पे। ठीक है, हार्डवेयर पे आने के बाद अब ये मेरी यूएसबी लगी हुई है और ये मेरी है एसएसडी। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज़ में आपने चले जाना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे वॉल्यूम्स में जाना है और यहाँ पर आपने पॉपुलेट में क्लिक कर लेना। ठीक है, ये क्लिक किया, ये देखें मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ था, GPT था ना, तो यहाँ से मैं इसको कर लूँगा MBR, क्योंकि मेरी ये पार्टीशन स्कीम ये वाली है, इस अगर मैं इसमें करूँगा तो मेरी विंडो नहीं होने वाली, इसलिए मैं इसमें करूँगा तो मेरी विंडो होगी। उसके बाद जस्ट कुछ भी नहीं करना, बस अपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना, आपकी विंडो कुछ थोड़ी देर में बूट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस तरह से कहेगा फॉर्मेट करो USB, तो आपने ओके कर देना और USB को फॉर्मेट कर लेना। ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी विंडोज़ जो कि बूटेबल हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, हमारी विंडोज़ बूटेबल हो चुकी है। ठीक है, बस ये हो गया हमारा काम, बस इसको क्लोज़ कर दें। इसके बाद ये कर लेना, आपने अपने PC को रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद आपका बूट मेन्यू का बटन होगा, F10 या F12 होगा। ठीक है, तो वो प्रेस कर लेना। वो प्रेस करने के बाद आपने वहाँ से USB को सेलेक्ट कर लेना अपना। ठीक है, तो वहाँ से अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर लेना ईजिली, कोई बड़ी फिल्म नहीं है। सही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ISO वगैरह का और सॉफ्टवेयर वगैरह का लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट सेक्शन में बताओ कोई मसला आता तो मैं आपका वो मसला हल कर दूँगा।